प्रदेश में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर सरकार के सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्र में डेंगू के बचाव के लिए सक्रिय हुए। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बीबी रानी मौर्य अपने क्षेत्र का दौरा कर स्वास्थ्य व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान एमकेएन न्यूज के विशेष संवाददाता शुभकांत श्रीवास्तव ने मंत्री बीबी रानी मौर्य से खास बातचीत की। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनके क्षेत्र में क्या स्थितियां हैं और उनकी किस तरह से मॉनिटरिंग है। मैडम, काफ़ी समस्या है दिख रही है डेंगू को लेके, और सरकार के द्वारा तमाम तरह की योजनाएं डेंगू को लेके चलाई जा रही हैं। आपका अपने क्षेत्र में किस तरह से मॉनिटरिंग? देखिए, मेरे क्षेत्र के में काम ठीक हो रहा है। फॉगिंग मशीन से फॉग किया जा रहा है, जैसे धुएं के कारण इन डेंगू के मच्छरों को मार सकें। दूसरा, सरकार ने दवाइयों का डिस्पेंसरियों तक इंतजाम किया है। अगर किसी को डेंगू होता है तो उनको दवा भी दी जा रही है, कहीं भर्ती करने की ज़रूरत है तो वो भी हो रहा है। तीसरा, मेरा एक आग्रह है आपके माध्यम से कि हमें भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, कहीं इस तरह के मच्छर ज़्यादा हो रहे हों तो धुआं करें शाम को, कहीं पानी इकट्ठा हो रहा हो तो वो पानी इकट्ठा ना हो, और साफ सफाई का भी हम लोग अगर ध्यान रखेंगे तो डेंगू से बचाव कर पाएंगे। ये थे बेबी रानी मौर्य, जिन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में चाहे वो मेडिकल संबंधित या उनके डिपार्टमेंट से है तो निश्चित तौर पर इसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और किया जाएगा। कैमरा पर्सन साकेत के साथ सुकांत श्रीवास्तव, एमकेएन न्यूज़, लखनऊ।